विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं और राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन क्यों ले जाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है, इस रामायण के प्रसंग में हम सुनेंगे। सभी भक्तगणों को राम राम। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामायण की एक पात्र होती है ताड़का, जिसका नाम आपने सुना होगा, क्योंकि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुंदर वन ले जाते हैं, उसके पीछे का जो कारण है वो ताड़का की कहानी से आपको समझ में आएगा। तो रामायण की एक पात्र है ताड़का, जो कि सुकेत यक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह शुंड नामक राक्षस के साथ हुआ और यह अयोध्या के समीप एक सुंदर वन है। सुंदर वन में अपने पति और दो पुत्र सुबाहु और मारीच के साथ निवास करती थी। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था, ऐसा कहा जाता है। उसके प्रकोप से सुंदर वन का नाम ही पड़ गया ताड़का वन। उसी वन में विश्वामित्र का आश्रम था और अनेक ऋषि मुनि भी उसी सुंदर वन में रहते थे। उनके जब तप और जप होते थे, यज्ञ होते थे, तो राक्षस हमेशा बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से इसलिए अनुरोध किया कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुंदर वन ले जाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने ताड़का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन सुबाहु का वध कर दिया। मारीच उनके बाण से आहत होकर दक्षिण में समुद्र तट पर जाकर गिरा, और कहा जाता है कि सुकेत नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या उसने की और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने संतान होने का वरदान दिया और उस वर के परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ था। सुकेत ने ब्रह्मा जी से ताड़का को अत्यंत बलशाली होने का भी वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल देने का वरदान दिया। तथास्तु, जब ताड़का विवाह योग्य हुई तो सुकेत ने ताड़का का विवाह सुंद नाम के राक्षस से कर दिया और उससे सुबाहु और मारीच, जो ताड़का के दो पुत्र थे, उनका जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता ताड़का के समान बड़ा बलशाली और पराक्रमी था। ताड़का का पुत्र मारीच सुंद राक्षस से उत्पन्न होकर भी वह स्वयं राक्षस नहीं था, लेकिन बचपन में बड़ा उपद्रवी था और ऋषि मुनियों को बड़ा परेशान किया करता था। उसके उपद्रवों से दुखी होकर एक दिन अगस्त मुनि ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया और अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हुआ और अगस्त मुनि को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। इस पर अगस्त मुनि ने श्राप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया और अपने पति की मृत्यु और पुत्र की दुर्गति का बदला लेने के लिए ताड़का अगस्त ऋषि पर झपट पड़ी, उनके पीछे दौड़ी और परिणाम स्वरूप जब ऋषि अगस्त ने श्राप देकर ताड़का की जो सुंदरता थी उसको क्रूपता में बदल दिया। अपनी क्रूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को तहस नहस करने का संकल्प ले लिया। इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने ताड़का का वध प्रभु श्री राम के हाथों करवा दिया, क्योंकि ताड़का का वध होना था। इसलिए विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में लेकर गए, जो कि सुंदर वन अयोध्या के समीप है। तो ये कहानी थी कि विश्वामित्र प्रभु श्री राम को अपने साथ लेकर गए, क्योंकि राजा दशरथ से उन्होंने बड़ी विनती की। इसके पीछे का कारण था कि ताड़का का वध होना था।
जो कि रामायण का ये प्रसंग था। फिर आते हैं नए प्रसंग के साथ, आप ये सभी तक जरूर पहुंचाएं। सभी भक्तगणों को राम राम, प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।